So guys, right now I'm driving Honda Civic 2018 model, UG variant. इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, CVT और लेदर सीट्स आती हैं और सनरूफ आती है। सो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि 2018 में गाड़ी ली मैंने और तब से अब तक मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। सिर्फ ब्रेक पैड्स चेंज करवाए हैं मेरा ख्याल है मैंने, जो मुझे याद पड़ता है, या इसमें ऑयल चेंज करवाया है, जो जनरल मेंटेनेंस होती है वो करवाई है, और एक दफ़ा जो इसके अंदर इनहेरिटेड फॉल्ट है वो स्टेयरिंग बॉक्स का, वो स्टार्ट में 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो फॉल्ट आ गया था, जो कि मैंने वारंटी में क्लेम करवा दिया। तो सिंस दैट टाइम, अब तब से लेके अब तक गाड़ी में एक रुपये का काम नहीं निकला। सो वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि मैं आपको इसकी एवरेज दिखा सकूं। गाड़ी जो है 180,000 किलोमीटर चल गई है और स्टिल ये अपनी फुल पावर में है, और इसकी एवरेज आप देख सकते हैं, एवरेज इससे मुझे क्या दे रही है, 14.7 की एवरेज दे रही है इन सिटी विद एसी। एसी मेरा एक मिनट भी बंद नहीं होता, जब मैं चलाता हूँ गाड़ी एसी ऑन होता है, जब ऑफ करता हूँ तब भी एसी ऑन ही होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली इंजन के साथ ऑफ होना होता है ना उसने। सो या मैं तो इस गाड़ी से सेटिस्फाई हूँ, आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं अब कमेंट बॉक्स में काइंडली मुझे बताइएगा। थैंक यू।